जय हिंद। डब्ल्यूबी न्यूज हेडलाइंस की आजाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाल मोहम्मद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया विधानसभा के अंतर्गत। और यहाँ पर जिस तरीके से आज दीदी सुरक्षा कवच इस प्रोग्राम को लेकर चाकुलिया के विधायक मिनहाजुल आरफिन आज़ाद के नेतृत्व में यहाँ पर आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और ये प्रोग्राम लगभग शाहपुर चाकुलिया ब्लॉक के कई पंचायतों में हो चुका है और आज जो है शाहपुर टू पंचायत में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। सीधे तौर पर इस वक्त हम लोग आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो दीदी सुरक्षा कवच है उसके तहत एमएलए साहब और साथ ही साथ एमएलए के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सभी लोग मौजूद है। इस वक्त हम लोग आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर इस वक्त हम लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया है कि चाकुलिया विधानसभा के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में दीदी सुरक्षा कवच इस प्रोग्राम का आयोजन हो चुका है और आज जो है शाहपुट्टू ग्राम पंचायत में इस प्रोग्राम का आयोजन। हमारे साथ इस वक्त चाकुलिया विधानसभा के विधायक मिनहाजुल आरफिन आज़ाद साहब हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आम जनता को दीदी सुरक्षा कवच इस प्रोग्राम का मायने मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। तो दीदी सुरक्षा कवच इस प्रोग्राम का आयोजन हमने देखा है चाकुलिया विधानसभा में कई ग्राम पंचायतों में हो चुका है और आज जो है फिर से शाहपुट्टू ग्राम पंचायत में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आम जनता को जो क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, इस प्रोग्राम का मतलब मायने समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि दीदी सुरक्षा कवच इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में अगर समझा दे तो अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये दीदी का सुरक्षा कवच, बहुत बढ़िया आपने एक सवाल पूछा है। देखिए, दीदी का सुरक्षा कवच का मतलब ये होता है कि दीदी के पैगाम को हर घर तक पहुँचाना, ठीक है। और दीदी ने जो काम किया है पूरे हमारे पश्चिम बंगाल में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और लोग कौन सा दीदी का फैसिलिटीज़ लोगों के घर में जा रहा है, कौन सा नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है किसी को तो कारण क्या है। देखिए, हमारी दीदी, आपने देखा होगा अभी जो हम लोग शुरुआत किए, जो स्टार्ट किए प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम हम लोग मजार शरीफ से दुआ फातिहा करके हम लोग निकले। सारे लोग, या हिंदू मुस्लिम, तमाम लोग साथ में हम लोग हैं। ममता दीदी का यही एक पैगाम है कि एकता भाईचारगी बना करके रखना होगा और ये एकता और भाईचारगी में ही सलामत ये हिंदुस्तान रहेगा। वरना जिस तरह से कुछ लोग, कुछ अपोजिशन लोग, कुछ जो है अदर पार्टी के लोग भी लेंगे के हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति सियासत कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये दीदी के पास इस तरह की कोई बात नहीं है। दीदी ने कहा है कि ना मैं हिंदू की बात करती हूँ ना मुस्लिम की बात करती हूँ, मतलब यह है कि ना मैं मंदिर की बात करती हूँ ना मस्जिद की बात करती हूँ, इंसान हूँ, इंसानियत की बात करती हूँ। इसीलिए आज ये प्रोग्राम हर पूरे विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में ये दीदी का सुरक्षा कवच प्रोग्राम चल रहा है। जी सर, एक सवाल और भी है कि दीदी सुरक्षा कवच जिस तरीके से आप लोग जगह जगह ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं, पिछले कई बार हमने देखा है, तो सर क्या लगता है आपको कि आपका जो ये प्रोग्राम होता है या फिर जिस तरीके का भी ये प्रोग्राम है दीदी सुरक्षा कवच, तो ये सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है? बिल्कुल, अगर सक्सेसफुल कामयाब नहीं होता तो आज ये इतनी भीड़ जो उमड़ करके आई है, लोगों हमारे साथ देख रहे हैं, लोग अपने आप पता नहीं कैसे कि कहां से खबर सुनकर के लोग दीदी के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये तो भाई दिख रहा है कि हर घर में जो हमारा डेवलपमेंट पहुंच रहा है। ये अब देखिए, बंगला आवास की मैं बात करूं, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी साजिश करके ये बंगला, ये जो अभी जो घर दिया गया था उसने रोक दिया, नहीं देना है। क्यों बंगाल को डिप्राइव करने में क्यों लगे हुए भाई, ये बंगाल ने क्या गलत किया, क्या कसूर किया है कि बंगाल के साथ सौतेलापन आप लोग अपना रहे हैं? ये दीदी है जो किसी चीज की परवाह नहीं करके कि बंगला आवास हर घर में जिसको जिस गरीब को नहीं मिला है उस गरीब को दिया जाएगा, यही हमारा मिशन है कि हम लोग घर घर जा रहे हैं। दीदी ने कहा ये पैगाम पहुंचा रहे कि जाओ किस गरीब को घर नहीं मिला है, अगर जिसको नहीं मिला है
उसका हमारे दीदी के दूध के नाम से पांच पांच हर वार्ड से जो है लड़के रहेंगे, वो जाकर के पूछेंगे, जिज्ञासा करेंगे, उसके बाद जिसको नहीं मिला है उसका जो है ऑनलाइन होगा, फिर उसको जो है घर वगैरह मिलेगा। जी सर, अभी दीदी सुरक्षा कवच पर बात चल ही रही है, तो सर क्या आम जनता के लिए भी कोई सुरक्षा कवच होगा? क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल ही में ग्वालपोहर में एक मैटर हुआ था जिसमें गोली मारकर आरिफ नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, तो सर क्या आम जनता के लिए भी कोई सुरक्षा कवच होगा जिससे इन तरीके की ऐसी घटना सामने ना आए इलाके में, जिले में? बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है, जो गलत है वो गलत है, गलत का साथ दीदी कभी नहीं है, और जिसने ये किया है इस तरह का हरकत, इन्होंने हरकत शर्मसार करने हरकत जिसने किया है उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा। हाँ, उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई के साथ की जाएगी, और हो रहा है, चल रहा है, अरेस्ट हुआ है, आपने देखा है। और मैं बता दूं आपको कि अभी आप देखेंगे कि हमारा पूरे विधानसभा में जो दो दो रास्ता डेढ़ डेढ़ किलोमीटर करके ये रास्ता का काम माननीय विधायक आजाद होने के बाद ये तमाम रास्ते का काम चकोलिया विधानसभा में हो रहा है। मैं चकोलिया विधानसभा की बात कर रहा हूँ इसलिए कि चकोलिया विधानसभा में जो काम नहीं हो पा रहा था वो आज खुले एकदम बिल्कुल तौर पर ये काम हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इतने सारे काम होंगे कि लोग चकाचूंद हो जाएंगे। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपने की बोलते जाए दीदी सुरक्षा कवच পঞ্চায়েতে দিদির হাত মজবুত করার জন্য, গ্রাম বাংলাকে উন্নয়ন করার জন্য রাস্তা পানি জল থেকে শুরু করে বিজলি খাওয়া দাওয়া এবং খাদ্য শিক্ষা যাতে উন্নয়নের চরম নিরিখে পৌঁছে যায় সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য, একত্রিত হয় সম্মিলিতভাবে ধর্মের ভেদাভেদ বর্ণের ভেদাভেদ না করে উচ্চ নিচ না করে জাতিভেদ না করে এগিয়ে আসুন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন, মিনাজুল আফরিন আজাদের হাত আরও শক্ত করুন, এই গ্রাম বাংলাকে এই পঞ্চায়েতকে আবার দিদির হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দিন। فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ينطفق يخرج من بين